कभी भी साफ नहीं होगा बेटा तालाब, छह महीना तक ले लगे रहेगा तभी भी तालाब साफ नहीं। बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, कम से कम अभी से भी कर देगा तो आधा कर देगा तो आधा बाद में करता। हवन भी कराया है, सद्बुद्धि यज्ञ कराया है, ताकि जो नेता है जो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं यहाँ रहने के बाद भी, तो वो जो है थोड़े समझेंगे इनकी परेशानियों को। और अब तो कुछ समय बाद जो है वो निगम चुनाव भी होने वाले हैं। निगम चुनाव अभी एक महीने डेढ़ महीने में चालू। हाँ, तो उस चुनाव का हम सब महिला यहाँ इस क्षेत्र के महिला को हम लोग बहिष्कार करेंगे, उनका हम लोग नहीं दे सकते। हम वोट दे ही नहीं सकते हैं। कितनों भी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, 20 वर्षों से जो इसकी तालाब की जो स्थिति है बस सेम है, मतलब कोई बदलाव नहीं है। गंदगी इसी प्रकार की रहती है, नाली का पानी इसमें आता है, और आप जान ही रहे हैं कि लोगों के घर आसपास है तो लोग कचरा भी यहीं फेंकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सफाई होनी नहीं है तो यहीं कचरा डाल देते हैं। ये वीडियो अगर महापौर साहब देख रहे होंगे तो जरूर ध्यान दीजिएगा। पार्षद मैडम अगर आप देख रही होंगी तो आप भी इस दर्दनाक मंजर को यहाँ पर कम से कम 10 मिनट आके खड़े होके जो आपके वार्ड के लोग हैं उनकी परेशानियों को समझेंगे। पूरे तालाब की हालत है, कुरुद में मौजूद हैं और इसके ऊपर लगातार हम वीडियो भी बना रहे हैं। जब तक ये तालाब नहीं सुधरेगा तब तक ये भिलाई टाइम इसकी वीडियो आप तक दिखाते रहे। तस्वीर में आप देखिएगा, ये है सरकार का काम, शहर सरकार का काम, निगम का काम कि तालाब कितना सुंदर रहता है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। हरियाली की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में रहकर, भिलाई में रहकर, भिलाई के कुरुद में रहकर कि हमारा शहर जो है हरियाली से भरा रहे, लेकिन ये दृश्य में हरियाली जो आप देख पा रहे होंगे, ऐसी हरियाली शहरवासियों को, यहाँ के रहवासियों को नहीं चाहिए। भिलाई टाइम की अभी मौजूद है कुरुद के इस तालाब के पास में, जिसे हमने आपको इसके पहले भी दिखाया था कि इसकी स्थिति जो है कितनी खराब थी, लेकिन अब बरसात आने के बाद बद से बदतर हो चुकी है। पूरा तालाब जो है जलकुंभी से भर चुका है और यहां आप 2 मिनट भी चैन से खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि लगातार बदबू यहां आते हैं। और आपको बता दूं कि तमाम जो त्यौहार साल भर में होते हैं वो इस तालाब में मनाए जाते थे कुछ समय तक के, क्योंकि अब जो है त्यौहार मनाने लायक भी ये तालाब नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर इतने बदबू है, इतनी गंदगी है, इतने सारे जलकुंभी है कि यहाँ पर आप कोई त्यौहार जो है मना नहीं सकते। चाहे वो गणेश विसर्जन हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो छठ पूजा हो, आप कोई त्यौहार यहाँ पर नहीं मना सकते, क्योंकि ये जो गंदगी है वो आप खुद ही तस्वीर में देख सकते हैं। बाकी यहाँ के रहवासी जो महिला है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते कि कितनी समस्या होती है। कुछ बच्चे भी थे यहाँ पर जो हमें बता रहे थे कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते जो जलकुंभियों में घुस के गिर जाते हैं यहाँ खेलते हुए। सही कह रहा हूँ, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। आप लोग बोलते क्यों नहीं है अपना पार्षद को? बोलते चुके हैं, बोल चुके हैं, निवेदन भी लिख के भेजे थे यहाँ से, कितने बार न्यूज भी आए थे, उसमें भी बच्चे लोग भी दिए हैं। हाँ। और हम लोग भी दिए हैं न्यूज में, तो कुछ तो सुनवाई नहीं हुई। आज यज्ञ करवा रहे हैं सद्बुद्धि। हाँ हाँ, योग करवा रहे हैं। नेताओं के दिमाग खुलेंगे इससे? हो सके, भगवान जाने, प्रभु जाने, अब माता रानी जाने, अभी छठ आने वाली है, करवा देंगे तो और अच्छी बात है, उन्हीं के नाम रोशन होगी। बहुत तकलीफ होती होगी, बहुत तकलीफ हो रही है, मना नहीं पाते, बहुत तकलीफ हो रही है। अब तो 2 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल हो गया यहाँ के बदबू से। अब आप ही बताइए, जो भी नेता मंत्री वगैरह हैं, निगम वाले सर लोग हैं, आके खुद अगर वो लोग 5 मिनट अगर इस तालाब में खड़े हो सकते हैं तो हम मानेंगे कि हाँ आप वो खड़े हो सकते हैं, बट कोई एक बार तो यहाँ पे झांकता तो है नहीं है। हाँ, तो वो लोग जब वो लोग 5 मिनट यहाँ आके नहीं खड़े हो सकते तो हम निर्जला 3 दिन का व्रत करते हैं, तो हम महिलाएं कैसे इस तालाब में व्रत करें? ये चीज हम उनको बोल रहे हैं, इसीलिए हम यज्ञ करवा रहे हैं कि इससे भी भगवान उनको सद्बुद्धि दे और यहाँ की सफाई करे। ये पूरे कुरुद भर में, इतने पूरे वैशाली नगर के क्षेत्र में सबसे बड़ा तालाब ये है, मगर इस तालाब में कभी कोई सफाई नहीं है। बहुत सारे इस यहाँ तालाब है जी, सबकी इतनी स्थिति नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के ढांचा भवन के यहाँ के तालाब की सबसे ज्यादा गंदी स्थिति है जी। यहाँ पूरे जगह की नाली की पानी, गंदगी, हर चीज यही है, गटर का पानी आ रहा है, सब चीज आ रहा है। हम एप्लीकेशन वगैरह भी दे चुके हैं, हर चीज करके देख चुके हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट फैसला हमने ये किया है, तब जाके अब देखिए, अगर इससे भी अगर बुद्धि हो जाए तो हम यही निवेदन करते हैं। मेरे को लगता है कि महिलाओं को ही सबसे ज्यादा, आप ये बताइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ से, हमको डर लगता है कि हमारा बच्चा साइकिल चला के जा रहा है, कहीं गलती से गिर मत जाए। हुआ भी है क्या, कोई बच्चा गिरा भी था? जी हाँ, अभी सुनने में भी क्या, अभी गणेश पूजा का ही समय था, बच्चा यहाँ पे डूबा है, उसको फिर कैसे भी करके निकाला गया। आप ही बताइए, निगम से ही हमको ये है कि कैसे हम अपने बाल बच्चों को हम कैसे छोड़े। हम तो हमेशा डर के रहते हैं, हमारा बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो हमेशा डर के रह रहे हैं। डूब गई थी, दो बार गई, इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान। हाँ, दो बार गैया भी डूब के उसमें वो मरी है, तो निकलवाए हम लोग, निगम वाले सफाई करने वाले आते हैं ना, उससे निकलवाए थे। हाँ ठीक है, कितना परेशानी अम्मा?
बहुत परेशानी है बेटा, बहुत परेशानी है। हम लोग कम से कम, हम लोग के आए हुए 90 से आए हुए हैं, ये तालाब अभी अभी 6-7 साल से इतना गंदगी है, नहीं तो गंदगी नहीं था बेटा, बहुत अच्छे मतलब कि पानी एकदम निर्जला रहता था। हाँ यही हालत है 6-7 साल हो गया। अब उसमें बताओ बेटा, सुबह के शाम को 1 घंटा खड़ा रहो, सुबह 1 घंटा खड़ा रहो, उसी में पानडुब्बी मार के खड़ा रहो, अब बताओ देह में एकदम कैसा लगेगा है, बताओ तुम्हें। और तो घर तक भी जाता होगा। अरे घर के कपड़े तक ले भी जाता है, कपड़े में भी, अब नहा गीले में रहोगे तो कपड़े में भी बदबू जाता है। अब बताओ कि जब इन लोग नहीं सफाई करेंगे तो वो कौन सा मुंह लेकर आएंगे मांगने के लिए, आए पब्लिक से ना वो आदमी जीतता है चाहे हारता है, तो कौन सा मुंह लेकर आएंगे। 5 साल तक ले तो हम लोग की बात नहीं सुनेंगे, अब 5 साल के बाद आएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उन लोग को कौन चीज से स्वागत करेंगे, जूता मोजा से। पिछले बार जो है पार्षद को भी मैं यहाँ से कॉल लगाया था, फोन नहीं उठाए, नहीं उठाती है वो, उठाने के क्या एक साइन नहीं करती है, कॉल तो दूर की बात है, कोई भी आप लोग गए उनके पास क्या, नहीं जाते हैं, जाते हैं तभी भी है, कभी आती भी है। वहाँ सेफ्टी टैंक खुदवाने के लिए मैं वो सब कॉलोनी वाले को परमिशन दे दिए थे नगर निगम वाला, तब हम लोग आकर उसको रोके और बोले, तब पूरी मतलब कि नगर निगम वाला लोग भागा वहाँ से, नहीं तो फावड़ा कुदारी लेकर आए थे सेफ्टी टैंक खोदने के लिए। कर चुकी थी थोड़ी सी वहाँ पर, वो हम लोगों के फिर भी उसको गोलाउंड करने के लिए आया था खोदने के लिए, तब हम लोग मारने विसर्जन में कैसे गए, यहाँ भी तो विसर्जन कर, हाँ यहाँ भी विसर्जन कर, वो तो देखो ना बाबू उसी में करा है लोग गणेश विसर्जन, अभी दुर्गा जी 15 दिन के बाद मतलब विसर्जन होगी, नहीं तो 15 दिन के बाद ही तो दुर्गा जी को विसर्जन होगा, अब उसी में दुर्गा जी के विसर्जन होगा, उसी में काली जी के विसर्जन होता है, उसी में विश्वकर्मा जी के विसर्जन होता है, कौन ऐसा देवता नहीं विसर्जन होता है, सब देवता ठंडा होते हैं इसी तालाब में। पूजा आ रहा है, अब बताइए अभी 9 अक्टूबर में चालू होगा, 7 अक्टूबर से हम लोग का छठ पूजा चालू हो जाएगा, नवम्बर में नहीं अक्टूबर में होगा, नवम्बर में मान लीजिए नवम्बर में आप लोग नेताओं को करना चाहिए, नहीं वो सुनते नहीं है, वो लोग वोट लेने के बेरी सब कुछ बोलेंगे जब मैं कर दूंगी, वोट लेने के बाद वो कहाँ गए वो पता ही नहीं चलता। 3-4 दिनों तक आप लोग पूजा करते हैं? हाँ हाँ 3-4 दिन करते हैं हम लोग पूजा करते हैं। तभी भी साफ नहीं होगा बेटा तालाब, 6 महीना तक लगे रहेगा तभी भी तालाब साफ नहीं, बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, कम से कम अभी से भी कर देगा तो आधा कर देगा तो आधा बाद में करता है। हमारे घर के बच्चे लोग इसमें घुसते हैं साफ करने के लिए, तो ये भी नहीं होता है निगम से, उनको एक औजार भी नहीं मिलता है कि हाँ उसके जरिए लोग पकड़ के उसके अंदर जाएं, भाई इतना जलकुंभी निकला हुआ है उसको साफ करते, किसी का पैर फिसल गया, किसी को कुछ हो गया, तो हम त्योहार मनाएंगे कि हम अपने बच्चे को देखेंगे, जलकुंभी तो विनाश का प्रतीक है, तो तालाब नदी किसी का भी बच्चा हो, हमारा बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, सबका बच्चा ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन निगम से एक भी सुविधा नहीं है कि हाँ ये सामान लो चलो हम ही लोग मिलके सफाई कर ले, बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के आगे बढ़ते हैं सफाई करने के लिए, उनसे जहाँ तक होता है उन लोग साफ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, भाई उनको भी अपने जान का खतरा है कि भाई हम कैसे आगे बढ़ जाएं, हम माँ बाप भी नहीं जाने दे सकते कि भैया तुम आगे बढ़ मत बढ़ो, हम खुद चिल्लाते हैं। निगम चुनाव अभी 1-1.5 महीने में हाँ, तो उस चुनाव का हम सब महिला यहाँ इस क्षेत्र के महिला को हम लोग बहिष्कार करेंगे, उनका हम लोग नहीं दे सकते, हम वोट दे ही नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए चुनाव आएगा वोट आएगा लोग मांगने के लिए नगर निगम वाले, हम देंगे ही नहीं, हम लोग एकता हो जाएंगे पूरी कॉलोनी के लोग, हम लोग एकता हो जाएंगे, हम लोग नहीं देंगे वोट उनको, वो अपना जीते कुरुद से जीते या चाहे दुनिया से जीते, बाकी हमारे ढांचा भवन वाले कोई नहीं देगा, बहुत हम लोग परेशान हो गए हैं, ये तालाब से हम लोग बहुत मतलब गंदा पानी सेफ्टी टैंक के आता है, बताइए बाबू कैसे क्यों नहाएगा, पूरा आता है, चल कर वहाँ देख ना बेटा, चल के वहाँ देख लो आप, आए अब बताओ कि कैसे हम लोग करेंगे, तुम ही लोग मतलब, क्या नाम है पार्षद का? अरे अनीता साहू, अनीता साहू, हाँ अनीता साहू नाम है उसका, पार्षद का अनीता साहू नाम है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है, बाकी वो जिम्मेदारी नहीं से अपने निकल जाती है,
निकल जाती है जिम्मेदारी से, हम लोग हवन भी करवाए हैं। बिल्कुल, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ के रहवासियों ने जो है वो हवन भी कराया है, सद्बुद्धि यज्ञ कराया है, ताकि जो नेता हैं जो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं यहाँ रहने के बाद भी, तो वो जो है थोड़े समझेंगे इनकी परेशानियों को। और अब तो कुछ समय बाद जो है वो निगम चुनाव भी होने वाले हैं, जब वो इनके पास वोट मांगने के लिए आएंगे तब ये देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे। लेकिन ये बहुत दुखदायी है, सामने जो है आप दर्दनाक मंजर देख सकते हैं। इस तालाब की जो हालत है वो इतनी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितने लगातार यहाँ से बदबू आ रहा है। हम भी यहाँ से जब से आए हैं, अब थोड़ी देर और रुकेंगे तो ऐसा लग रहा है तबीयत भी खराब हो जाए यहाँ खड़े खड़े। ये भी एक समस्या का बात है। और भी कुछ पुरुष हैं जो हम बात करते हैं कि कितनी परेशानी। आप लोग भी यहीं रहते हैं भैया? जी भैया, पिछले गत 30 वर्षों से हम लोग यहीं हैं। हाँ। और इस 30 वर्षों से जो इसकी तालाब की जो स्थिति है बस सेम है, मतलब कोई बदलाव नहीं है। गंदगी इसी प्रकार की रहती है, नाली का पानी इसमें आता है। और आप जान ही रहे हैं कि लोगों के घर आसपास हैं तो लोग कचरा भी यहीं फेंकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सफाई होनी नहीं है तो यहीं कचरा डाल देते हैं। जानवरों के लिए भी बहुत परेशानी की बात, जानवरों के लिए है। आप देखेंगे यहाँ, देखें इसकी स्थिति देखिए, और इसके बाद यहाँ आप 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू आ रही है। अभी गणेश विसर्जन भी यहीं होता है, सब लोग पूजा, यहाँ मंदिर भी है, लोग पूजा पाठ करते हैं, आते हैं। अभी जो छठ पूजा होने वाला है उसमें माताएं बहनें पानी का, भूखे पेट पानी का सेवन करती हैं, और सूरज को देख के और सूरज को ऐसी स्थिति में पूजा कर पाएंगे। तो इस स्थिति में आप सोचिए कि अगर वो इस ऐसा पानी अगर वो पियेंगे तो उनका तबियत को क्या होगा। और इसमें जो कीटाणु और मच्छर जो पल रहे हैं वो आसपास के एरिया में जो फैल रहे, जो डेंगू बीमारियां भी चल रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है। ठीक है, बाकी ये वीडियो अगर महापौर साहब देख रहे होंगे तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पार्षद मैडम अगर आप देख रही होंगी तो आप भी इस दर्दनाक मंजर को यहाँ पर कम से कम 10 मिनट आके खड़े होकर जो आपके वार्ड के लोग हैं उनकी परेशानियों को समझेंगे तो अब समझ आएगा कि कितने परेशानी में आप ही के वार्ड के लोग रह रहे हैं जिन्होंने आपको वोट देकर जिताया है। ये गंदगी है, पूरे तालाब की हालत है, कुरुद में मौजूद हैं और इसके ऊपर लगातार हम वीडियो भी बना रहे हैं। जब तक ये तालाब नहीं सुधरेगा तब तक ये भिलाई टाइम इसकी वीडियो आप तक दिखाते रहेगा। बाकी इस तालाब को लेकर क्या अपडेट होता है ये आपको लगातार बताते रहेंगे। आज जो है तो यहाँ के लोगों ने यज्ञ कराया ताकि जो नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो थोड़ा समझें कि कितनी ज़रूरत है इस तालाब को साफ सफाई करने की। बाकी अपडेट के लिए बने रहेगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में।